केदारनाथ मंदिर का अंदर का हिस्सा, यहाँ लोग मत्था टेकने आते थे दूर दूर से, पता नहीं मैल मीलों पैदल चलकर आते थे। हमारे माता पिता, हमारे कई नाते रिश्तेदार जानने वाले यहाँ आए हैं, लेकिन मंदिर की हालत की अब कुछ ऐसी है तबाही के मंजर के बाद। हमारे साथ बद्री के केदार ट्रस्ट के जो हैं अध्यक्ष गणेश गुड़ियाल जी हैं। गुड़ियाल जी, ये बताइए कि आज की तारीख में मंदिर में पूजा बंद है क्या? नहीं, पूजा उस रूप में तो बंद ही है, और परमेश्वर ने ऐसा प्रलय यहाँ पर किया है कि ये संभव नहीं है कि नियमित रूप से जैसी पूजा पहले होती थी वैसी की जाए। हमारा सबका ध्यान सबसे पहले ये था कि जो लोग जीवित हैं उन लोगों को पहले रेस्क्यू वगैरह संभव नहीं है अभी लाना, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो बेलपत्र उपलब्ध हैं उन बेलपत्रों से ही भगवान शंकर की पूजा यहाँ पर की जा रही है, आप स्वयं अभी देख सकते हैं। और ये इस हिस्से में क्या हुआ करता था? इस हिस्से में यहाँ पर ये जो सामने आप नंदी देख रहे हैं ये भी अपने स्थान से उस मलबे के कारण हट गए हैं। और ये क्या पूरा रेत इसमें आ गया है क्या? हाँ, पूरा इसमें रेत आ गया है। आपको अगर मैं बताऊं तो ये सामने के द्वार जो आप टूटा हुआ द्वार देख रहे हैं, इस द्वार से ये मलबा अंदर घुसा है। जो वहाँ जो वहाँ जो सैलाब आया उस सैलाब से मलबा इस द्वार से अंदर आया, और उसके बाद इस पूरे गर्भगृह को और इस पंडाल को अपने साथ कि बहुत सारे लोगों ने इस मंदिर के अंदर में शरण ली थी। और जो लोगों ने मंदिर के अंदर शरण ली सौभाग्य से वो उसमें से अधिकांश लोग जीवित बचे और उनको रेस्क्यू करके अब नीचे भेज दिया गया। गर्भगृह तो ये है अंदर में, ये पंडाल और ये गर्भगृह, ये यहाँ से गर्भगृह शुरू होता है, यहाँ पर से वहाँ पर वो गर्भगृह है जो सामने आप देख रहे हैं। गर्भगृह की यहाँ से लोग आते थे, रेलिंग आप देख रहे हैं, यहाँ से दर्शनार्थी यहाँ आते थे और दर्शन करके और पूरी परिक्रमा करने के बाद वहां से लोग बाहर जाते थे। अच्छा, एक तरफ से लोग आते थे और एक तरफ से लोग जाते थे जी। और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त मंदिर के अंदर बहुत सारे लोग रहे होंगे। अब जब बाहर पानी आना शुरू हुआ, मलबे का सैलाब आना शुरू हुआ, तो लोगों ने धीरे धीरे यहाँ मंदिर में अंदर आकर जान बचाने की कोशिश की, और गर्भगृह में भी उस समय लोग थे और यहाँ पर भी लोग थे। जब यहाँ पानी भरा तो लोग खड़े हुए और घंटों खड़े रहे, घंटों, क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था इसलिए घंटों लोग यहाँ पर खड़े रहे। ये अंदर क्या दलदल हो गया गर्भगृह के अंदर? ये बिल्कुल अभी संभल के बराज ये दलदल है, और ऊपर से ये लकड़ी और पत्थर के वो रखे हुए हैं छोटे छोटे, जो कि मतलब आदमी अंदर न धस सके। मैं ये आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर अंदर सभी मूर्तियां सुरक्षित हैं। मुख्य जो भगवान केदारनाथ का जो लिंग शिवलिंग है वो सुरक्षित है, सिर्फ ये है कि वो 1.5 फीट नीचे 2 फीट मलबे में दबा हुआ है, और ऊपर का भाग आप देख सकते हैं जिसमें कि बेलपत्र रखे हुए। अगर आपको देखना है कि यहाँ मलबा कितना है तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ भारी मात्रा में मलबा भरा हुआ है। यहाँ जो है ये सब मलबा भरा हुआ है, ये पूरा मलबा भरा हुआ है, ये देखिए आप, ये पूरा इतना इससे भी भारी नीचे तक मलबा भरा हुआ है। मतलब इस अदर सैलाब था कि पूरा बाहर से इतना मजबूत मंदिर अंदर आकर के गर्भगृह के अंदर में सैलाब इस अदर से मलबा जमा हो गया है। बिल्कुल, ये जो मलबा और सैलाब आप देख रहे हैं, क्योंकि मंदिर के पीछे के हिस्से का आपने पार्ट अगर देखा होगा तो वो तो बहुत बड़े बड़े बोल्डर वहां से आ रखे हैं, लेकिन मंदिर इतना मजबूत था कि वो बोल्डर इस दीवार को, मंदिर की दीवार को तोड़ नहीं पाए। लेकिन ये सैलाब है जो वो ये दक्षिण द्वार है, जो दक्षिण द्वार को टूटने के बाद ये सैलाब अंदर आया। मंदिर के बाहरी हिस्से को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, और ये मंदिर चूंकि काफी पुराना है, कितना पुराना ये मंदिर? ये मंदिर 7वीं और 8वीं शताब्दी का बना हुआ है, मतलब सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है, 1200-1300 साल। और ये भी एक अद्भुत करिश्मे से कम नहीं है कि सब कुछ आसपास का इलाका तबाह हो गया, लेकिन मंदिर को, सिर्फ बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचा है। अंदर भले ही रेत और दलदल और मलबा जमा हुआ है, लेकिन शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ, जैसा कि गणेश गुड़ियाल जी खुद भी बता रहे थे। आप खुद ही देख लीजिए कि ये मूर्तियां हैं, इन पर भले ही जो पुराने जमाने की रही हैं, सैकड़ों साल पुरानी हैं, रेत की परतें इस पर जरूर जमा हो गई हैं, लेकिन अभी कुल मिलाकर देखें तो ये बिल्कुल सुरक्षित है, महफूज है। कब तक उम्मीद लगाई जाए कि फिर से लोग यहाँ आ सकें, केदारनाथ दर्शन शुरू हो सके, यात्रा शुरू हो सके? नहीं, मैं समझता हूं कि अभी दर्शन और केदारनाथ यात्रा शुरू करने के लिए तो बहुत ही सोचने की आवश्यकता है। इसमें हमारी सरकार और केंद्र सरकार बैठकर निर्णय करेंगे, मंदिर कमेटी इस पर निर्णय करेगी, और मूलतया ओवरऑल ये देखा जाए कि इसको शुरू करने के पहले यहाँ व्यवस्थाएं ठीक करनी होंगी, और इन व्यवस्थाओं को ठीक करने में 2 साल का वक्त निश्चित रूप में लगना है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि केदारनाथ में नियमित पहले की तरह यात्रा
ठीक है, पूजा तो हम एक दो दिन में अच्छी तरह से शुरू कर पाएंगे, क्योंकि ये मलबा साफ करना है और उसके बाद नियमित जैसी भगवान की पूजा होती थी उस पूजा को हम शुरू कर लेंगे। आंशिक तौर पर पूजा अभी भी चालू है, पूजा आंशिक तौर पर पूजा शुरू हो गई है, लेकिन इतना जरूर है कि लंबा इंतजार करना पड़ेगा लोगों को, तीर्थयात्रियों को, कि वहाँ आकर के केदारनाथ की यात्रा, ये जो चार धाम में केदारनाथ का सबसे अहम हिस्सा होता था केदारनाथ के दर्शन करने के, वो शायद अब इतनी जल्दी मुमकिन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मंदिर के अंदर का हिस्सा देखिए कि अभी भी यहाँ पे लोगों के रजाइयां, लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं। मेरे कई जानने वालों ने इसी मंदिर के अंदर में, जब वो एक तरीके से कह सकते हैं कि जब एक सैलाब आया था तो लोगों ने अपनी जान बचाई थी इसी मंदिर के अंदर रहते हुए, और ये मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ा गवाह रहा और बहुत लोगों की जान बची इस मंदिर की वजह से। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, केदारनाथ धाम।